हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में जानेंगे अभी अभी जो मार्च 2021 बैच का जो नोटिफिकेशन आया है सीडैक की तरफ से, तो उसके रिलेटेड सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइज़, बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जैसे कि बैच ऑनलाइन होने वाली है, ऑफलाइन होने वाली है, या फिर एग्ज़ाम ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, या फिर जो फीस कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो गाइज़, इस वीडियो में सब टॉपिक्स, सभी आपके जो डाउट्स है सभी क्लियर कर दूंगा मैं। तो गाइज़, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपील करना चाहता हूँ। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं और इसी तरह के वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पर, तो आपको वो उससे फ़ायदा होगा गाइज़। तो गाइज़, चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़, सबसे पहले देख लेते हैं बुकलेट में क्या क्या है। बुकलेट में उन लोगों ने सब डिटेल्स दिया है, तो गाइज डायरेक्टली बुकलेट ओपन करते हैं, बुकलेट में देखते हैं क्या क्या है। तो गाइज, जैसे उन लोगों ने बताया पीजी डिप्लोमा एडमिशन बुकलेट है। तो गाइज, जैसे पिछले बार डिप्लोमा था सितंबर बैच का, इस बार पीजी डिप्लोमा उन लोगों ने कर दिया फिर से। तो गाइज, ये मार्च 2021 बैच है, जो कि अभी फॉर्म्स निकल गए तो मार्च में ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में वो बता दूंगा। तो गाइज, जैसे सितंबर बैच में सिर्फ 4 ही कोर्सेस अवेलेबल थे, इस बार उन लोगों ने फिर से सभी कोर्सेस इंक्लूड कर दिया है। तो गाइज, देखते हैं आगे बुकलेट में क्या क्या है। तो गाइज, ये कुछ कंटेंट्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। इंट्रोडक्शन में उन लोगों ने कुछ बताया सीडैक के रिलेटेड, सीडैक क्या है, सीडैक कब ये हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसका R&D सेंटर क्या है, ये सब बताया उन लोगों ने, उनके अचीवमेंट्स क्या क्या है, ये सब बताया गया है। तो गाइज, ये आगे देख लेते। लिस्ट ऑफ सीडैक्स, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, ये फुल टाइम कोर्स होगा, 6 मंथ ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का, पीजी डिप्लोमा कोर्स का। तो गाइज, उन लोगों ने स्टार्टिंग में बताया इनिशियल 2 मंथ जो होगा मार्च 2021 बैच का, इनिशियल 2 मंथ्स ऑनलाइन लिया जाएगा। तो स्टूडेंट के पास एक लैपटॉप, एक हाई स्पीड इंटरनेट, एक वेबकैम और एक माइक्रोफोन होना ज़रूरी है। और अगर मोबाइल से आप लोग क्लास अटेंड करना चाहते तो ये उनकी तरफ से एडवाइजेबल नहीं है गाइज। तो गाइज, अगर बाद में डिपेंड अपन पैंडेमिक पे सिचुएशन पे डिपेंड रहेगा कि बाद में 2 मंथ्स बाद ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे, ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे या ऑफलाइन में लिया जाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, सिनेरियो पे डिपेंड रहेगा, करंट सिनेरियो पे, कि अगर पहले भी उन लोगों ने बताया गया कि ऑनलाइन लेंगे 2 मंथ्स, तो शायद अगर तब तक परमिशन मिल जाए तो शायद ऑफलाइन ही स्टार्ट हो जाए बैच, वरना फिर बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है पैंडेमिक की वजह से, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो लोग ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे। गाइज, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते क्या है कोर्स का। तो गाइज, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे, यहाँ पर मैकेनिकल और सिविल नहीं लिखा है। तो देवर लाइक की मेक और सिविल मतलब उनके लिए कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, क्या है डाउट्स, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन में थे बच्चे। तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है गाइज, अगर आप इस क्राइटेरिया में हो, जैसे कि ग्रेजुएशन ऑफ इंजीनियरिंग इन IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या नहीं तो फिर MSc, MS, फिर कंप्यूटर साइंस, IT या फिर मैथमेटिक्स 10+2 कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग, अगर इसमें आप हो तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। इन लोगों ने ये बताया, ये कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इसमें हो, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बिलोंग करते हो, तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। तो गाइज, हर कोर्स का अलग अलग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो गाइज, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जैसे अगर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स करना चाहते हो, उन लोगों ने बताया कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और 4-ईयर डिग्री इन, बाकी इस फील्ड में अगर 4-ईयर आपकी डिग्री है तो आप कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर पीजी डैक दिया है, ये सबसे फेमस कोर्स है, आपको पता ही है। कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जो मैंने ऊपर बताया वो, और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, एनी डिसिप्लिन मतलब आप मेक हो, सिविल हो, आपको अलाउ है। तो गाइज, इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 50% चाहिए आपको इंजीनियरिंग में, और इसकी फीस रहने वाली 81,000 प्लस GST रहेगी। तो गाइज, अगर आप मोबाइल कंप्यूटिंग करना चाहते हो तो सेम है गाइज, 50% या फिर 81,000 प्लस GST। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर नहीं दिया है इन लोगों ने, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, ओके, उसके बाद इन लोगों ने ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग नहीं दिया है, मतलब जो मेक और सिविल के बंदे वो लोग नहीं कर सकते। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है तो गाइज, आपको मिनिमम 60% चाहिए होता है, और इसकी फीस है 1,35,000 प्लस GST। तो गाइज, यहाँ पर 60% आपको कन्फर्म चाहिए होता है इंजीनियरिंग में, क्योंकि भाई मैंने देखा है पिछले बैच के स्टूडेंट्स को, कि उन लोगों का 55 होता था, ये लोग AI के लिए पूरा एडमिशन प्रोसेस कर देते, उनको लास्ट में पता चला कि 60% चाहिए होता है, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो गया गाइज। तो इसीलिए आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के ही आपके कोर्सेज चूज़ करना।
गाइस बाकी आप लोग देख लीजिए, मैं बुकलेट का आगे देखते हैं गाइस। आगे आप लोग यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट्स ऑफ सी डेक पी जी डिप्लोमा कोर्सेज, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन प्लेसमेंट प्रोग्राम है ये भी कुछ, देख कॉमन प्लेसमेंट आपको पता ही है कि रीजन वाइज प्लेसमेंट होता है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ कंपनीज़ के नाम है गाइस। बाकी ये लोग ये सीट कैपेसिटी दिखाए सी डेक के ट्रेनिंग सेंटर में कितने कहाँ पर होते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिएगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है तो गाइस 50 सीट्स अवेलेबल है सी डेक नोएडा में, और 40 सीट्स अवेलेबल है डायरेक्ट एक्ट्स पुणे में। ये भी कुछ ज़्यादा इतना ये नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ देख लीजिए, कौन से सेंटर में कहाँ पर हॉस्टल है, कहाँ पर कैंटीन है, इन लोगों ने यहाँ पर दिया है। बाद में ये प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस होगा पूरा पूरा, ये जो प्रोसीजर है आपका लास्ट में सेंटर मिलने तक का, ये प्रोसीजर बताया गया है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो आपको बाद में बना दूंगा। तो गाइस देखते हैं, सबसे अभी इंपॉर्टेंट है कॉमन एडमिशन जो सीकेट की एग्ज़ाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये एग्ज़ाम जो होने वाली है ऑनलाइन होने वाली है, और एग्ज़ाम जो तीन सेक्शन में डिवाइड रहेगी, हर सेक्शन 1 आवर्स का ड्यूरेशन का होगा गाइज। और गाइज अगर हर हर सेक्शन में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, अगर एक आंसर राइट आता है तो +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत होता है तो -1 मार्किंग है, तो मतलब यहाँ पर माइनस मार्किंग है गाइज। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो उसके 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो गाइज देख लीजिए, हर सेक्शन के लिए अलग अलग कोर्सेज, जैसे सेक्शन 1 का एग्ज़ाम देगी सिर्फ, तो आपको सिर्फ जियो इन्फॉर्मेटिक्स ही करने को मिलेगा। अगर सेक्शन A+B का एग्ज़ाम देंगे तो आप डैग DBDA या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मोबाइल कंप्यूटिंग, ये कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको एम्बेडेड और VLSI करना है तो आपको सेक्शन A+B+C का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वैसे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं सिलेबस क्या है। वैसे सेक्शन A का सिलेबस देखो, इंग्लिश क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, ये 1 आवर ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है। फिर सेक्शन B में देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद कॉन्सेप्ट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क DCN निकाल दिया है इन लोगों ने, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग था वो लोग इन लोगों ने नहीं रखा इस बार सिलेबस में। सेक्शन सी का देख लीजिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर, इस पर डिपेंड रहेगा, 1 आवर का ये भी एग्जाम रहेगा। तो बाकी इन लोगों ने डिटेल सिलेबस दिया, उसके बाद आप लोग कौन सा बुक रेफर कर सकते हो, ये रेफरेंस बुक्स के नाम दिए यहाँ पर, वो लोग देख लीजिए। शेड्यूल देख लीजिए गाइस, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो 10 जन और 17 जन को प्लॉट हो जाएगा, जैसे आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब के जहाँ पर अवेलेबिलिटी है, कोर्स कौन सी सीट अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिए ताकि आपको वो सीट मिल जाए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे होता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का टाइम लिख लीजिए, मॉर्निंग स्लॉट में सेक्शन A+B+3 का सेक्शन, उस किस टाइम पे, आफ्टरनून स्लॉट में कौन से टाइम पे एग्ज़ाम होने वाली है। टिकट की फ़ीस देख लेते हैं। फीस गाइस सेक्शन A का एग्ज़ाम दे रहे हो तो 500 फीस है, A+B का देंगे 600 है, और तीनों सेक्शन का देंगे तो 700 फीस रहेगा गाइस। तो एक बार आपने ये पे कर दिया तो आपको ये फीस वगैरह रिफंड नहीं होगा। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सीकेट की रैंकिंग क्या है ये दिया है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियोज बनाया, मेरा चैनल तुम चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर भी नहीं हो तो प्लीज़ पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइस कोर्स की फ़ीस है, मैं आगे आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं कोर्स की फ़ीस आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इंपॉर्टेंट नोट, इन लोगों ने बताया अगर कोर्स अगर इनकेस एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड नहीं इनकेस अगर पूरा कोर्स ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन के लिए परमिशन नहीं देता है गवर्नमेंट, तो इन लोगों ने क्लियरली यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में बताया गया है कि देर विल नो रिडक्शन इन द फीस इवन इन केस ऑफ द PG डिप्लोमा क्लासेस विल हैव टू बी कंटिन्यूड इन ऑनलाइन मोड। पैंडेमिक का कोई भी सिचुएशन आ जाए ये लोग आपको रिफंड नहीं करेंगे। तो गाइज़ बाकी ये लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्री कोर्स क्या होता है ये सब मैं आपको आगे एक वीडियो बता दूंगा, आगे एक वीडियो बनाऊंगा उस पर सब बता दूंगा आपको। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है आपके लिए, जैसे ही आपका रिजल्ट लगेगा उसके बाद आपको ये सब आगे के जो प्रोसीजर रहेंगे मैं आपको बता दूंगा, एक लाइव सेशन लेके सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। गाइज़ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग 1 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे, जैसे आए नहीं थे आज सुबह आ गए थे 2 दिसंबर को, तो 2 से लेके 30 दिसंबर टाइम है, 30 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड 6 से 14 जनवरी के बीच में एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर 10 जन और 17 जन को एग्ज़ाम रहेंगे, उसके बाद रैंक अनाउंस होगी 25 जनवरी को, फिर 25 to 30 जनवरी तक आपको फर्स्ट काउंसलिंग रहेगा, उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा 1 फेब को, फिर 8 फेब के लिए आपको सेकेंड काउंसलिंग रहेगा, फिर उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग का आ जाएगा 10 फेब को। फिर ये सब बाकी डेट्स इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा। उन लोगों ने यहाँ पर बताया कि 2 मार्च से बैच स्टार्ट होगी ऑनलाइन मोड में, 3 मई तक ऑनलाइन चलेगी, उसके बाद वो लोग ऑफलाइन लेंगे।
कोर्स एंड होगा 28 अगस्त को, कोर्स एंड हो जाएगा। तो बस बाकी ये सब, बाकी नीचे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी गाइस सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को एक अगले वीडियो में बताऊंगा, आगे एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें बताऊंगा कि इन लोगों ने क्या सिलेबस में चेंजेस किया है, इसके रिलेटेड आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जल्द से जल्द अपडेट मिल सके कि मैं आगे के जो वीडियो अपलोड करूँगा। और मैं और एक वीडियो पर काम कर रहा हूँ गाइस, तो वो वीडियो है उस पर मैं आप लोग को एक 40 डेज़ में कैसे प्रिपरेशन करना है, इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, कि कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक्स रेफ़र करने हैं, इसके रिलेटेड जल्दी एक वीडियो आएगा इस चैनल पे। तो गाइज बने रहेगा इसी वीडियो में, इसी चैनल पे। तो गाइज चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।